नमस्ते दोस्तों, अगर आपके दांत किसी भी कारण की वजह से गिर गए हैं या आपने निकलवा दिया है और आप चाहते हो वहां पर एक नया दांत लगवाना, तो आप क्या करते हो, डेंटिस्ट के पास जाते हो और डेंटिस्ट आपको बहुत सारे ऑप्शन बताता है। उसमें से आपको जिरकोनिया क्राउन के बारे में भी बताता है, जो कि सारे क्राउन में से सबसे अच्छा क्राउन माना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिरकोनिया क्राउन क्या होता है, क्या उसकी कॉस्टिंग आती है, कितना लंबा वो चलेगा। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पे डॉक्टर राहुल को फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आपके दांत नहीं है और आप चाहते हो कि दांत लगवाना, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा दांत लगवाए, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है। ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, वहां से भी आप देख सकते हो। जिरकोनिया क्राउन जो है जिरकोनियम डाइऑक्साइड से बनाया जाता है, जो कि सारे क्राउन में से सबसे बेहतर क्राउन माना जाता है, जो कि एक तरीके का सिरेमिक मटेरियल होता है। जिरकोनिया क्राउन एक मेटल फ्री क्राउन होता है, जिसमें किसी भी तरीके का मेटल यूज नहीं होता है। जो सामने आप वीडियो देख रहे हैं, ये है जिरकोनिया क्राउन, जो कि 5 यूनिट का है। अब हम बात करने जा रहे हैं जिरकोनिया क्राउन कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ जिरकोनिया क्राउन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सॉलिड जिरकोनिया के बारे में। जो सॉलिड जिरकोनिया होता है, ये मोनोलिथिक जिरकोनिया कहा जाता है इसे, और ये ओपेक होता है। ज्यादातर इसे रिकमेंड किया जाता है पोस्टीरियर टीथ के लिए, मतलब कि जो पीछे वाले दांत होते हैं, जो चबाने वाले दांत होते हैं, उनमें ज्यादातर ये जिरकोनिया लगाया जाता है। सॉलिड जिरकोनिया में एक खास बात यह है कि जो अपोजिट वाला नेचुरल दांत होता है, उसको ज्यादा घिसता नहीं है। अब हम एक दूसरे जिरकोनिया क्राउन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं लेयर्ड जिरकोनिया, जो कि ट्रांसलूसेंट होता है, ओपेलिसेंट होता है और एंटीरियर दांतों में ज्यादातर लगाया जाता है। लेयर्ड जिरकोनिया ट्रांसलूसेंसी की वजह से एक नेचुरल अपीयरेंस देता है, क्राउन ज्यादा नेचुरल लगता है, इसलिए सामने वाले दांत में आपका जो शेड मैचिंग है वो इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है कि सामने वाला बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता है कि आपने कोई आर्टिफिशियल क्राउन लगाया है। मार्केट में एक नया जिरकोनिया क्राउन आ चुका है, जिसे हम बोलते हैं जिरकोनिया HT। HT का फुल फॉर्म होता है हाई ट्रांसल्यूसेंट, जो कि 590 से लेकर 720 मेगा पास्कल अंडर प्रेशर में बनाया जाता है। ये इतना ज्यादा नेचुरल दिखता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि PFM क्राउन, जिसे हम बोलते हैं पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन, उससे लाख गुना बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं कि जिरकोनिया क्राउन कहां कहां लगाया जा सकता है। अगर आपके दांत के शेप ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब कि जब भी आप हंसते हैं तो आपके दांत काफी ज्यादा अनइवन है, हल्के से घिसे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो उस केस में आप जिरकोनिया क्राउन लगवा सकते हैं। अगर आपके दांत काफी ज्यादा कमजोर हैं या फिर फ्रैक्चर्ड हैं, तो उस केस में भी जिरकोनिया क्राउन लगाया जा सकता है। अगर आपको खाना खाने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप जो है जिरकोनिया क्राउन लगवा सकते हैं। अगर आपने डेंटल इम्प्लांट करवाया है, तो उस केस में भी जिरकोनिया क्राउन को लगाया जा सकता है। अगर आपके सामने के दांत किसी भी कारण की वजह से डार्क हो गया है या फिर डिसकलर्ड हो गए हैं, तो उसमें आप जिरकोनिया क्राउन लगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिरकोनिया क्राउन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है इट इज हाईली बायो कंपैटिबल। दूसरा एडवांटेज होता है कि इसका सरफेस इतना ज्यादा स्मूथ होता है कि इसमें प्लाक का एक्युमुलेशन कम होता है। अगर किसी भी पेशेंट को मेटल से एलर्जी है, तो वो जिरकोनिया क्राउन लगवा सकता है, क्योंकि जिरकोनिया क्राउन जो है मेटल फ्री क्राउन होता है। जिरकोनिया क्राउन हाईली ट्रांसल्यूसेंट होता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा नेचुरल लगता है, जो आपका नेचुरल दांत का कलर है सेम उसी कलर का दिखता है। जिरकोनिया क्राउन की जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, वो इस तरीके से है कि पेशेंट में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और क्राउन बहुत आसानी से
फिट हो जाता है। बहुत सारे पीएफएम क्राउन्स में जो पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल क्राउन्स होते हैं उनमें ये शिकायत आती है कि जब भी पेशेंट जो है ठंडा गर्म खाता है या पीता है उसे सेंसिटिविटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिरकोनिया क्राउन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि जिरकोनिया क्राउन तो चलो लगा लिया है लेकिन ये कब तक चलेगा। जिरकोनिया क्राउन जो कंपनी है वो 10 साल की वारंटी देती है, लेकिन जिरकोनिया क्राउन को अगर आप सही तरीके से चलाए और ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो लगभग 15 से 20 साल तक जिरकोनिया क्राउन आपका बहुत अच्छा चलेगा। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जिरकोनिया क्राउन की कॉस्टिंग कितनी आती है। जिरकोनिया क्राउन की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 6,000 से 10,000 के बीच में आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कितना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस है, कौन सा मटेरियल लगा रहा है, क्योंकि जिरकोनिया में भी अलग अलग मटेरियल आते हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो बिना लाइक किए मत जाएगा, शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर अभी तक आपने डॉक्टर राहुल त्रिपाठी फेसबुक में मेरा पेज है उसको फॉलो नहीं किया है तो प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।